ये विंडो एसी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। कई सालों की मेहनत के बाद आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। 40 डिग्री हवा जो कमरे की अवेलेबल है उसको कन्वर्ट कर रहा है इस वक्त 18 डिग्री के अंदर, और बैक साइड से देखें 56 डिग्री की हवा ये खारिज कर रहा है। ये एसी इस वक्त फुली सोलर पैनल के ऊपर ऑपरेटेड है। एक सोलर पैनल और इन बैटरीज की मदद से ये एसी चल रहा है। ये इन्वर्टर इस एसी को ऑपरेट करवा रहा है। सारा दिन फ्री आप इस एसी को चला सकते हैं, किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। ना इसको इंस्टॉल करना मुश्किल, ना इसमें गैस डालनी है, ना आपने कोई फिटिंग वगैरह करवानी है। सिंपल आप एसी रखें, साथ इन्वर्टर रखें, सोलर पैनल लगाएं और आप इसको चलाते जाएं सारा दिन फ्री। अगर आप इसे रात को वापडा भी चलाएंगे तो सिर्फ 2 से 2.5 एम्पेयर का बिल आएगा, जो कि बहुत ही कम है, नॉर्मल एसी से 4 गुना कम और सिर्फ 2 पंखों के बराबर। आज आपका भाई आपको एक ऐसी जगह पे लेकर आया है, यहाँ पे पाकिस्तान का एक मोस्ट टैलेंटेड नौजवान है जो एसी के ऊपर मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है, कि आप बहन भाइयों के लिए कोई ना कोई ऐसा एसी बना सके जिसको बिजली के बगैर चलाया जा सके। तो आप लोग देख सकते हैं जनाब, ये काफी ज्यादा यहाँ पे एसी पड़े हुए हैं, ये अंदर इसकी वर्कशॉप है और काफी ज्यादा ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता है एसी पे, कि कोई नई टेक्नोलॉजी का एसी बनाया जा सके। तो आखिरकार अल्लाह ताला ने इस भाई की मदद की तो इस भाई ने एक ऐसा एसी तैयार कर लिया है जो कि बगैर बिजली के बैटरी पे चलता है। जी हाँ जनाब, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप लोग एक सोलर प्लेट अपनी छत पे लगाते हैं, उसके साथ आप छोटी बैटरी अटैच करते हैं, तो आपका एसी सारा दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। एक सोलर प्लेट पे बैटरी पे चलने वाला एसी जनाब इस भाई ने बना लिया है। तो आए मेरे साथ, आपको उस भाई से भी मिलवाता हूं और उसने जो सेटिंग की है सारी वो भी आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान में जनाब टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इन भाइयों की सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आप लोग लाजमी यहां पे विजिट करें। आए जी, आपको थोड़ा सा आपसे मिलवाता हूं, जिन्होंने जनाब ये एक नई टेक्नोलॉजी का एसी तैयार किया। ये आप लोग देख रहे हैं, ये चल भी रहा है। तो थोड़ा सा आपसे मजीद इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई ये क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरह से आपने इसको तैयार किया है। सर, हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि कितनी देर से आप इस काम में पड़े हुए हैं और अब जो आपने एसी तैयार किया है इसके बारे में बताइएगा। जी, उन्होंने काफी कोशिश के बाद विंडो एसी के ऊपर काम किया। ये आपने देखे होंगे कि बाहर के मुल्कों में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। जी, जिसको फिर हम लोगों ने सोलर के ऊपर चलाने की कोशिश की और अब आपके सामने है, जो आपके सामने रिजल्ट है। ठीक होगा जी। क्या सर इसमें आपने सेटिंग की है और कितनी प्लेट पे अब ये चलेगा और क्या बिजली ले रहा है, क्या एम्पीयर ले रहा है, किस तरह चलेगा, डिटेल बताइएगा, कितनी बैटरी चाहिए होगी इसके साथ? बिल्कुल जी, इसके साथ चलाने के लिए हमारे पास 2-3 सिस्टम है। पहले मैं इसको आपको थोड़ी सी वर्किंग समझा देता हूँ। जी, वर्किंग विंडो एसी के अंदर ही इसका कंप्रेसर होता है, अंदर ही इसकी गैस होती है, आगे से ठंडी हवा आती है, पीछे से गर्म हवा आती है। जैसे आप पीछे खड़े हुए थे आप बता सकते, बिल्कुल जी, गर्म हवा 55 डिग्री के ऊपर इसकी हवा आ रही है और जो रूम का हमारा टेम्परेचर कैमरा ये आप देख सकते हैं कि जी 38 डिग्रीज के ऊपर आजकल जो गर्मी पड़ रही है वो टेम्परेचर है। जैसे ही मैं इसकी गेज को इस के करीब लेके आऊंगा तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इसका टेम्परेचर जल्दी जाता है नीचे। इससे आपको आइडिया होगा कि इसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। ये जो उनसे एसी है इनकी परफॉर्मेंस इनके साइज के हवाले से बहुत बेहतरीन है। आपने ये नहीं समझना कि छोटे साइज का है तो शायद इसकी क्या नाम है परफॉर्मेंस भी कम होगी, कूलिंग भी कम देगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने जैसे ही इसके सामने टेम्परेचर गेज किया, देखिए किस तरह से 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये 20 से नीचे इसका टेम्परेचर जबरदस्त हो गया यार। ये देखो, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो कमरे की हवा जब 40 डिग्री की इसके अंदर गई है तो वो 18 डिग्री होके निकली है। बिल्कुल, और फिर जब आपके कमरे के दरवाजे बंद रहेंगे तो वही ठंडी हवा जब अंदर जाएगी तो आप समझे बर्फ बना के ये फेंकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है यार, जो बर्फ बना रहा है ये देखे 18 पे आ गया और अभी मजीद नीचे जा रहा है। अच्छा जी, कितने तक नीचे तक जाएगा ये? जी 12 डिग्री पे भी चला जाता है थोड़ी देर चलाने के बाद। जबरदस्त, बड़ी अच्छी इसकी कूलिंग है। नॉर्मल साइज के जो कमरे हैं 10x10, 12x12 उनके लिए बेहतरीन है, बड़े आराम से आप घर में उसको लगाना बहुत आसान है। आप अपनी खिड़की के बैक साइड पर रख लें, ठीक है, ठंडी हवा बस अंदर आएगी, बाकी गर्म हवा है, कोई पाइप लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जनाब आउटडोर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ सारे कम से कम और मैक्सिमम कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए? हाँ जी, अब इसके साथ अगर हम बात करें कि इससे हमने सोलर पे चलाना है तो उसके लिए हम लोगों ने अपना भी इन्वर्टर तैयार किया 1.5 केवी का, जो की 3 बैटरी के साथ चलता है। उसके अंदर आप 1 पैनल लगा लें या 2 पैनल लगा लें, कंपेटेबल है, कोई इसके साथ मसला नहीं है, आप उसे चला सकते हैं। सारा दिन वो सोलर पे चलेगा, सोलर की रोशनी कम होगी या शाम हो जाएगी तो बैटरीज के ऊपर चलेगा। जब बैटरीज खत्म हो जाएंगी तो ये वापडा के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वापडा के ऊपर इसकी कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 एम्पीयर होती है। वो कंजम्पशन भी बल्कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जी दिखाएं जी, कंजम्पशन कितनी है इस टाइम, ये कितनी ले रहा है जी?
मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग कैमरा भी इसके करीब करें जी, जरा करीब आके दिखाइए। और इसको मैं आपको कंजम्पशन दिखाता हूँ, ये देखें जी 2.6 एम्पीयर ये ले रहा है। 2.6 आपने बहुत देखा होगा कि जी ये जी 1.5 एम्पीयर लेते हैं, 2 एम्पीयर लेते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो हकीकत है वो हम आपको सामने दिखाएंगे। तकरीबन 2.5 से 2.75 के करीब ही एम्पीयर लेते हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि जो हमारा सोलर पैनल होता है उससे अगर आप वाटर की कन्वर्जन करें तो तकरीबन 2 से 2.5 के करीब एम्पीयर आ जाते हैं। अगर धूप अच्छी हो तो जितने एम्पीयर ये ले रहा है उतने एम्पीयर हमें एक भी सोलर पैनल दे सकता है। लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी कम रोशनी में भी हमारा एसी चलता रहे, साथ बैटरी भी, बड़ी बैटरी लगाना चाहते हैं, बड़ी बैटरी चार्ज हो, उनके लिए बेहतर मशवरा यह है कि वो 2 पैनल लगा लें ताकि उनकी एफिशिएंसी जरा बेहतर हो जाए। जी ठीक होगा सर, अगर कोई बैकअप लेना चाहे तो वो सब बड़ी बैटरी रख ले और उसको रात को भी बैकअप इससे मिल सकता है। बिल्कुल जी मिल सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप एसी अगर नहीं चलाना चाह रहे तो अपना कोई भी घर का लोड जिसके अंदर आप इवन के फ्रिज भी चला सकते हैं, लाइटें, पंखे, अपना मोबाइल का चार्जर, को टीवी और इस तरह का जितना लोड है वो आप इसी इन्वर्टर के थ्रू चला सकते हैं। तो ये सिर्फ आपका एसी के लिए कारामद नहीं है, और चीजें भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अगर लाइफ की बात करें तो ये कितनी देर तक जो है चले, क्योंकि सारी बात हर चीज की को ना को सर लाइफ तो होती है ना, उसमें किसी टाइम पे जाके एक्सपायर होना होता है। आपने इसमें सेटिंग की है तो क्या लाइफ है, कितनी देर तक हमारे नाज़िम इससे मजे ले सकते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने देखा है कि लोग 10-12 साल से विंडो एसी यूज कर रहे हैं, कभी उसके अंदर मसला नहीं आया, दूसरे एसी में तो फिर कभी गैस कम हो गई, कभी कोई छोटा मोटा किट का मसला निकला है, इसके अंदर तो बिल्कुल ऐसे कोई मसले भी नहीं है। और इजीली अगर आप ये एसी लेंगे तो आप समझें कि 10 साल तो आप इसको भूल जाए, कोई मसला नहीं, 10 साल तक इंशाल्लाह किसी किस्म की। अच्छा आप इसकी जब आपसे कोई ये सेटअप लेता है तो आप सर इसकी क्या वारंटी, क्या गारंटी आप क्या देते हैं? वारंटी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स की डिफरेंट है। आप अगर सोलर पैनल्स को देखें तो उसकी आपको 10 साल की वारंटी मिलती है, जो इन्वर्टर है उसकी आपको तकरीबन 2 साल की वारंटी मिलती है। विंडो एसी चूंकि आपको पता है कि बाहर के मुल्कों से आते हैं, यूज्ड हालत में आते हैं, 1-2 साल चले हुए होते हैं, हम लोग अच्छी तरह से चेक करके तसल्ली करके फिर देते हैं, तो उसकी हम लोग 1 हफ्ते की चेक वारंटी देते हैं जिसके अंदर आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कोई खराब होने वाली चीज नहीं है, ऐसा कोई मसला है नहीं। जी ठीक हो गया। अभी सर थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि ये किस तरह से चल रहा है, सोलर से करंट ले रहा है और आगे इसमें करंट कहाँ पे जा रहा है और किस तरह से इसकी वर्किंग हो रही है, बैटरी के साथ कनेक्ट है, किस तरह से काम कर रहा है? इस वक्त ये जो हमारा इन्वर्टर है ये इस सिस्टम को चला रहा है, जो बाहर से सोलर की तारें आ रही है, रेड और ब्लैक वायर है, ये वायर आके हमारे इस इन्वर्टर में लग रही है। इस इन्वर्टर से हमारी क्या नाम है बैटरीज भी चार्ज हो रही है, छोटी बैटरीज हमने लगाई हुई है और साथ साथ ये एसी भी इस वक्त रनिंग में है। जैसे ही ये सूरज की रोशनी कम होगी और बैटरी भी लो हो जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली वाबला के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है, जैसे लोग अपने घरों में इन्वर्टर भी लगाते हैं। हम लोगों ने जो स्पेशली चेंजिंग की है इन एसीज के अंदर, इनका जो टॉर्क लोड होता है वो उनको हम लोगों ने खत्म किया, क्योंकि आपको पता है कि एसी शुरू में एक झटका लेते हैं अच्छा खासा जिसके ऊपर इन्वर्टर और बैटरियां बैठ जाती हैं और वो उसको लोड को उठा नहीं सकते। ठीक है, वो कुछ चीजें की हैं और कुछ वायरिंग वगैरह इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से चेंज किया कि वो हमारे सोलर के साथ चलने के लिए कंपेटेबल हो जाए। ठीक है सर, सारा दिन तो ये सोलर पैनल पे चलेगा, बैटरीज पे चलेगा, इन्वर्टर वगैरह सारा इस सिस्टम पे तो चलेगा। रात की बात करते हैं जब ये बाबा बजाएगा तो तब सर अगर घंटे की बात करें या किस तरह से इसके यूनिट कंजप्शन जो किस तरह से बताएंगे? ये उसी तरह से रात को भी इसने 2.5 एम्पीयर ही लेना बाबा के ऊपर। 2.5 एम्पीयर का मतलब ये है कि तकरीबन आपके 2 से 2.5 घंटे बाद आपका 1 यूनिट बिजली का खर्च होगा। आपने वैसे देखा होगा कि जो नॉर्मल एसी हैं वो तो 1 घंटे में 2 यूनिट ले जाते हैं, तो उनके मुकाबले तो सब समझ लेंगे 4 गुना इसकी कंजम्पशन वैसे ही कम है। अगर आप रात को भी सारी रात भी चलाते हैं तो आपके 8 से 10 यूनिट आपके इस्तेमाल होने, यानी कि वैसे भी आपका बिजली का बिल नहीं आएगा, वैसे भी बहुत कम है और सारा दिन तो आपका वैसे ही फ्री हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी बड़ी बैटरी लगा लेते हैं तो फिर शाम को वैसे ही 3-4 घंटे भी आपका बड़े आराम से बैकअप आपको 3-4 घंटे का दे जाएगा। लाइट गई भी है आपको मसला नहीं होगा। ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, यहाँ पे बिजली है ही नहीं वहाँ पे सिरे से, तो वो लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं। वापदा की इसमें इनपुट देने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह हमारे पास सिस्टम है वापदा शेयरिंग वगैरह का सिस्टम है, इसके अंदर कोई शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, डायरेक्टली ये सोलर के ऊपर ही होगा, वापदा पीछे से है या नहीं है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखी। जी ठीक हो। अच्छा सर, ये आप इसकी प्राइस की तरफ आते हैं कि ये जो पूरा सेटअप आपने बनाया है इसमें क्या क्या मिलेगा और कितने में मिलेगा? जी मैं आपको इसकी प्राइस सेपरेट भी बता दूंगा और इकट्ठी भी बता देता हूँ। जो इकट्ठी सारी चीजें मिला के पूरा सोलर सिस्टम, इन्वर्टर, एसी मिला के प्राइस है वो इस वक्त जो एसी नए की प्राइस चल रही है उससे कम है।
अच्छा जबरदस्त। इस वक्त आपने देखा होगा कि जी 1.5 से 2 लाख रुपया एसी की प्राइस चल रही है, किसी भी कंपनी का नया एसी ले ले, और वो भी ऐसा एसी जिसने 8 से 10 एम्पेयर लेने हैं आपके, फिर जाके उसने को 2-4 घंटे बाद जाके अपने एम्पेयर कम करने हैं, वो भी तब करने हैं कि अगर कमरा आपका बंद है, कूलिंग मेंटेन हो गया करने हैं, 1 घंटा लाइट गई फिर वहीं से शुरू। वो सारे मसले हैं, लोग उससे परेशान है, हम लोग उसका भी हल निकाल रहे हैं, जो इन्वर्टर एसी है उनको भी लॉक करने का 2 एम्पेयर पे, वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर करेंगे। अगर अभी हम इसकी बात करें तो ये पूरा सिस्टम जिसके अंदर आपका सोलर पैनल, उनका स्टैंड, उनका वायर्स और इन्वर्टर और एसी सारा कुछ मिला के 1,25,000 रुपए का पैकेज है। 1,25,000 रुपए में बिल्कुल। अगर कोई सोलर सिस्टम नहीं लेना चाहता, खाली एसी लेना चाहता है तो एसी कितने का जी? वो भी मैं बता देता हूँ, इसके अंदर खाली एसी की प्राइस 35,000 है। ओके। इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर की प्राइस देखते हैं तो वो 40,000 है। ओके। बाकी जो छोटा मोटा सामान है उनकी प्राइस लोगों को पता है, स्टैंड और वायर्स वगैरह की। जो सोलर पैनल है वो इस वक्त तकरीबन 25 से 26,000 के अराउंड चल रहा है। अगर आप किसी ने एक्स्ट्रा पैनल भी लेना तो वो एक्स्ट्रा 25,000 पे करके एक और पैनल भी इसके साथ लेके चला सकता है। बाकी इसको लगाना बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ 2 तारें ये एसी की है, इन्वर्टर में लगानी है आपका एसी चल जाने का। अच्छा, अगर सर डिलीवरी की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सुविधा मौजूद है? बिल्कुल जी, कोई मसला ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवर कर सकते हैं। आपको पता है एक छोटा सा बॉक्स है, इसको हम लोगों ने उसके अंदर डालना है, साथ इन्वर्टर रखना है, छोटा मोटा सामान रखना है, हम लोगों ने भेज देना। सोलर पैनल आपको पता है हर गाँव हर मोहल्ले में आजकल तो दस्तयाब है, सोलर पैनल कहीं से भी कस्टमर खरीद सकता है। मेन जो इन्वर्टर और ये अपना एसी वगैरह ये हम लोग सेंड कर देंगे, कोई इशू नहीं। जी ठीक है सर, पेमेंट का क्या तरीका कर रहा है? पेमेंट एडवांस में आपको देनी पड़ेगी या पेमेंट कैश? बिल्कुल, हमारी एडवांस ही होती है और कस्टमर हमारे पास आके खुद पसंद भी कर सकते हैं, कूलिंग वगैरह चेक भी करके ले सकते हैं, इसकी भी पूरी हमारी गारंटी है। आप अक्सर एसी वगैरह लेने जाते हैं किसी दुकान पे तो आपको कहते हैं ये एसी पड़ा है आप उठा के ले जाए, घर जाके चेक कीजिएगा, वहीं पे गैस डालें सारा कुछ है। यहाँ पे ऐसा कोई आपको बात नहीं करेगा, आप चाहेंगे कि जी हमें सोलर पे चला के दिखाओ वो दिखाएंगे, वाटर पे चला के दिखाओ वो दिखाएंगे। एसी की कूलिंग चेक करनी है, हमारे पास यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे हम लोग आपको एसी लगा के चला के चेक करवा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। बेहतरीन हो गया सर, अपनी लोकेशन और अपना फोन नंबर बता दें। ये टाउनशिप में हमारी लोकेशन है, मेन रोड पीको रोड के बिल्कुल पास है, गूगल मैप्स पे भी हमारी लोकेशन शो हो जाती है, हमारा फेसबुक के ऊपर भी फ़ोन नंबर और एड्रेसेस वगैरह मिल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी स्क्रीन पे भी शो हो जाए ताकि लोगों को ज़रा कॉन्टैक्ट करने में। सर गूगल मैप पे क्या सर्च करें तो आपकी लोकेशन आ जाएगी? गूगल मैप पे अल्टर सोल कंपनी आप सर्च करें, मैं चाहूँगा थोड़ा सा करीब करके दिखा दें, ये हमारी कंपनी का नाम है। आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल मैप्स के ऊपर टाउनशिप की लोकेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आप आएँ चेक करें, तसल्ली करें, फिर आप लेके जाएं।